हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी और एनटीपीसी सेकंड फेज के लिए अभी हम YCT पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ के लिए। और इस बुक के सॉल्यूशन में नंबर सिस्टम अभी चला हुआ है और नंबर सिस्टम के 81 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 82 होगा। आपने जो भी मेथड अब से पहले कहीं भी सीख रखे हैं, आप देखिए कि आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो या जो मेथड मैं क्वेश्चन के लिए बताऊंगा उनसे क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। डिफरेंस आप देखिए, अगर आपको मेथड अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला ही क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो भी थोड़ी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इजीली इस क्वेश्चन को कर देगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो दो अंकों की अभाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी, 97, और सबसे छोटी जो दो अंकों की अभाज्य संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 11। अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 86। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 86 ये हो जाएगा। इतना हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं था, ना ही इसमें कोई अलग अप्रोच लगाने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि 49 से इन सारी संख्याओं को भाग दीजिए, जो पूरी पूरी कट जाए वो आंसर हो जाएगा। दूसरा, आप बोलोगे कि 49 से अगर कोई संख्या कट रही है तो इसका मतलब वो 7 से भी कट रही है। अब आप एक एक ऑप्शन को उठाओगे और उसको चेक करोगे कि वो 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। जो ऑप्शन 7 से कट रहा होगा वो आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको एक एक ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। मैं अपनी अप्रोच बताता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठूंगा तो किस तरह से करूंगा। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करूंगा, मैं 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं करूंगा इसके अंदर। मैं ये देखूंगा कि 49 से अगर कोई संख्या कट रही है और चार अंकों की हमें संख्या निकालनी है, तो मैं ऐसी संख्या देखूंगा चार अंकों की जो 49 से कट जाती हो, तो वो संख्या हो जाएगी हमारी 2900। ये चार अंकों की एक संख्या हो जाएगी जो 29 से पूरी पूरी कट रही है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। अब क्या ये आपको चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है? आप कहोगे नहीं। तो अगर मैं इसका दोगुना कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी, 9800। तो क्या 9800 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? आप बोलोगे कि नहीं है। मैं बोलूंगा कितनी है भाई, तो आप बोलोगे 9999, ये सबसे बढ़िया है। मैं बोलूंगा कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि 199। अब मैं बोलूंगा कि 199 में अगर मैं 49 का टेबल चलाऊं तो कितनी बार चल सकता है, तो आप बोलोगे कि चार बार चल सकता है, यानी कि 96 बार और इसमें से कट सकते हैं 49 से। तो ये जो 96 कट रहा है, ये पूरा का पूरा कट ही रहा है, ये 196 और कट जाएगा, तो इसको यहां पर जोड़ दो 196, तो 6999। तो ये वो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो 49 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप डिविजिबिलिटी रूल से करोगे चेक कि 7 से कौन सी संख्या कट रही है, टाइम लगेगा, यहां समझाने में टाइम लगा। अब इस 49 से 2900 भी कटेगी, इसको दोगुना 9800 भी कट रही है, आगे कितने बच गए हमारे, 199। 199 में से 49 कितनी बार काट सकता है, 196 को काट देगा, इस 196 को यहां जोड़ दीजिए, 9996 आंसर। बहुत जल्दी क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन करने की अप्रोच होनी चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किस तरह से कर सकते हैं, वो है मेन बात। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूं। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। अब बड़ी भी हो, बड़ी से बड़ी भी हो, और 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य भी हो। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर 15 से कट रही है वो संख्या, इसका मतलब वो 3 से भी कटेगी। तो देखिए 3 से कौन सी संख्या कट रही है, ऑप्शन नंबर ए नहीं कटता, सी नहीं कटता, दो ही ऑप्शन रह गए, बी और डी, 9600 और 900। अब दोनों में बड़ी कौन सी है, 9600, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 9600 भी 3 से कट रहा है और 9000 भी 3 से कट रहा है, दोनों 3 से डिविजिबल हैं, उसके बाद 5 से भी डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये 3 से भी कट रही हैं और 5 से भी कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये 15, 25, 40 और 75 से भी कटेंगे। तो दो ऑप्शन ऐसे आ गए हमारे जहां पर दोनों कट रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 9600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए।
अब अगर हमें 88 से पूरी तरह से विभाज्य देखनी है तो या तो फोर चार ऑप्शन है, 88 से चारों को भाग करके देख लीजिए कि कौन सी कट जाती है, या दूसरा क्या होगा कि 88 के जो फैक्टर हैं 11 और 8 दोनों से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं कि 11 से कौन सी संख्या कट रही है और 8 से कौन सी संख्या कट रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तीसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि 88 से कोई संख्या कट रही है तो चार अंकों की 88 100 भी जो है पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन ये चार अंकों की क्या सबसे बड़ी संख्या है? नहीं, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 9999। तो इसके अंदर अभी कितनी ज्यादा है इससे? तो 9 में से 0 जाएंगे 9, 9 में से 0 जाएंगे 9, 9 में से 8 1, 1 1199 और ज्यादा है। तो 1199 में देख लेते हैं कि 88 की कितनी बार टेबल और चल सकती है। तो 10 बार 1199 में से 10 बार तो चली जाएगी, 880 तक तो चली जाएगी, तो 880 तो और भी कट जाएगी। 88 से तो कटी रही है, इसके साथ 880 जोड़ देंगे तो भी कट जाएगी। अभी कितना बच जाएगा यहाँ पर? 9 में से 0 गए 9, 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 8 गए 3। तो 319 में और देख लेते हैं कि 88 की कितनी बार टेबल चल सकती है। तो 88 किसके नजदीक है? 90 के। तो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि चार बार तो चलेगी नहीं। तो 88 की कितनी बार चल सकती है? मैक्सिमम 3 बार और चल सकती है 319 तक पहुंचने के लिए। तो 88 की जब हम 319 तक पहुंचने के लिए टेबल चलाएंगे, 8 3 24 और 2 26, यानी कि 264 और चल सकती है। तो 264 और यहां ऐड कर दीजिए सबको ऐड, 4 8 6 14 का 4 का 8 2 10 और 8 18 और 1 19, 8 और 1 9, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99 44। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको डिविजिबिलिटी रूल से भी करोगे तो 11 से चेक करोगे फिर 8 से चेक करोगे, उसमें भी टाइम लगना है, लेकिन इस पर अगर आप अपनी पकड़ बना लोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 27 18 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहला तरीका तो यही है कि इनका एलसीएम लीजिए। दूसरा तरीका किस तरह से सोचेंगे इस क्वेश्चन को, कि अगर 27 18 से कट रही है इसका मतलब 9 से भी वो संख्या कट रही होगी पूरी की पूरी। चार ऑप्शंस में से देख लेते हैं 9 से कौन सी कटती है। पहला ऑप्शन है 7 3 10 और 9 19 नहीं कटती, दूसरा है 9 7 1 8 नहीं कटती, तीसरा भी नहीं कटती, डी एक ऑप्शन है जो 9 से कटती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर 18 से कट रही है तो 9 से तो कटनी चाहिए, और 9 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है यानी ऑप्शन नंबर डी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1 3 5 6 4 2 में से क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो 9999 यानी कि 9 को 6 बार लिख देंगे और 1 3 5 6 4 2 को उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 से 2 जाएंगे 7, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। 9 से 4 जाएंगे तो 5, यानी कि बी और सी में से एक हो सकता है। 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 87 का सी, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित होती है। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, 47 से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 47 से विभाजित होनी है और चार अंकों की हो और सबसे छोटी हो चार अंकों की। तो हम देखते हैं कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी जो 47 से कट जाएगी। तो आप बोलोगे कि 47 से काटनी है, इसका मतलब 470 तो कटी कट जानी है, और इसका दोगुना अगर हम कर दें तो 7 2 14 4 2 8 और 1 9, 940 भी 47 से कटी जानी है। तो अगर इसमें 47 और जोड़ दूं तो 7 4 4 8 1, ये भी 47 से कट जानी है, लेकिन ये भी क्या है हमारी? तीन अंकों की है। एक बार और 47 जोड़ दो भाई, 7 7 14 8 4 12 और 1 13 का 9 और 1 10, तो ये क्या हो जाएगी? चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 47 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 10 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, ऐसी हमें संख्या बतानी है और तीन अंकों की हो और सबसे बड़ी संख्या हो। तो इसमें अगर 12 से कट रही है वो संख्या, तो इसका मतलब है कि वो 9 से भी, वो 3 से भी कटेगी ही कटेगी। अब इन सारे ऑप्शंस में से वो संख्या देख लीजिए तो 3 से कट रही है, तो पहला ऑप्शन तो 3 से नहीं कटता, दूसरा कटता है, तीसरा नहीं कटता, फोर्थ कटता है। तो दो ऑप्शन आ गए आपके 960 990,
ये दोनों 3 से कट रहे हैं, लेकिन फिर 10 से भी कटने चाहिए, और 10 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 0 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग है। और जब भी हमें फाइंड आउट करना हो कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होगी, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी संख्या इनमें से पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए आपको कुछ रूल याद रखने पड़ेंगे, वो रूल लगाएंगे, और जरूरी नहीं है कि उनसे भी आंसर आ जाए। अगर उनसे आंसर नहीं आता है तो फिर दूसरी ट्रिक देखेंगे, लेकिन ये 4-5 रूल आपको पता होने चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से हो जाते हैं। या तो एक तरीका ये है कि जितने भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो पता चलेगी कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो फिर ये 4-5 रूल आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या को ढूंढने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो रूल नंबर 1 की बात करने लगे तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे कि 625 को ही ले लीजिए, एक परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट डिजिट क्या है 5। 121 को ले लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है 1। 64 को ले लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है 4। 196 को ले लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है 6। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को ले लीजिए, उसकी लास्ट डिजिट कभी भी ना तो 2 होगी, ना 3 होगी, ना 7 होगी, ना 8 होगी। अगर इनमें से कोई भी डिजिट है किसी नंबर के लास्ट में और कहने लगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या ना है, तो आंख मीच के बोल देना कि नहीं है। जैसे हमसे कहने लगे कि 2 2 3 4, और हमसे बोलने लगे, सॉरी 2 2 3 2 कर लीजिए, और हमसे बोलने लगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो सबसे लास्ट डिजिट को देखिए क्या है 2। तो यदि किसी नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट में अगर 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। दूसरा रूल क्या कहता है आपका, रूल नंबर 2, कि डिजिट सम, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम हमेशा या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। अगर किसी भी नंबर का डिजिट सम 1 4 7 9 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। जैसे कि मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर ले लेता हूँ, 64 है, 121 है, 196 है, 169 है, 225 है, 625 है, 900 है, ये कुछ नंबर ले लिए मैंने। और अगर मैं इनका डिजिट सम देखने लगूं तो पहले का जो डिजिट सम होगा, डिजिट सम का मतलब इनको जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 को 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया 1, इसका डिजिट सम 1 और 2 3 और 1 4, इसका डिजिट सम कितना हो गया 4, 9 और 1 10 और 6 16, 16 को जोड़ देंगे तो 6 और 1 7, डिजिट सम कितना आ गया 7। यहां पर 9 को जोड़ो या मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम यहां 9 को ना भी जोड़ते, जहां भी 9 आए उसको कैंसिल कर दो, तो 6 और 1 7, इसी तरह से इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 9 को कैंसिल करो 6 और 1 7 हो जाएगा। इसमें 5 2 7 और 2 9 हो गया। यहां पर 6 2 8 5 13, और 13 को एक बार जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, इसका डिजिट सम कितना हो गया 9। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आपने यहां पर लिए हैं नंबर, उनका डिजिट सम देखिए, इसका कितना आ गया 1, इसका कितना आ गया 4, इसका कितना आ गया 7, इसका कितना है 7, इसका कितना है 9, इसका कितना है 4, इसका कितना है 9। आप कोई भी डिजिट, कोई भी परफेक्ट नंबर ले लीजिए, कोई भी, उनका डिजिट सम हमेशा है या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, इससे अलग और कोई भी डिजिट सम उनका नहीं हो सकता। तो दूसरा रूल ये देखेंगे कि यदि किसी नंबर का डिजिट सम 1 4 7 9 है, तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म नहीं है कि हो ही जाए, हो सकता है बस। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 बोलता है कि यदि किसी की लास्ट डिजिट 5 है, यदि किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से पहले अगर 2 है,
तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि 625 है, 5 से पहले क्या है हमारा 2 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कहने लगे कि 635 है, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो 5 से पहले क्या आ गया 3, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर 5 से ख़त्म होता है तो 5 से पहले हमेशा 2 होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और अगर 5 से पहले 2 नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो नंबर। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है आपका, ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 है, तो अगर 0 इवन नंबर में है, सम में है, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में 2 0 है या 4 0 है या 6 0 है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है अगर ये सम है। लेकिन अगर इवन है, लेकिन अगर ओड है, विषम है, यानी कि 1 ही 0 है किसी नंबर के लास्ट में, या फिर 3 0 है किसी नंबर के लास्ट में, या किसी नंबर के लास्ट में 5 0 है, तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर हम किसी परफेक्ट नंबर को 8 से डिविजिबल करते हैं, कोई भी परफेक्ट नंबर है, अगर कोई परफेक्ट नंबर है और हम उसको भाग कर दें 8 से, तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा। अगर रिमाइंडर 0, 1 और 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और अगर रिमाइंडर 0, 1, 4 नहीं है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये कुछ रूल आप याद रखोगे परफेक्ट स्क्वायर छांटने के लिए। वैसे भी 20 तक के तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, 20 से ऊपर जो भी नंबर आएंगे उसमें ये रूल हम लगा लेंगे, और इनसे हमारा क्वेश्चन इजीली फाउंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। और अगर ये नंबर ऐसे हैं कि ये सारे रूल लगाने पे भी 2 ऑप्शन ऐसे आ जाएं कि सारे रूल को फॉलो कर रहा है और पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर उसके लिए तो भैया उसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा अगर कोई ऐसा नंबर आएगा तो। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर ए के लास्ट में 3 0 है, और मैंने बताया था किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 3 0 नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर एक तो यहीं पर खत्म हो गया। दूसरा बी सी और डी, इनमें से कौन सा है ये देखने के लिए लास्ट नंबर देखेंगे, 4 4 1 है, सारे हो सकते हैं भैया, क्योंकि 2 3 7 8 होता तो नहीं होते। फिर दूसरा क्या देखते हैं, डिजिट सम देख लेते हैं। डिजिट सम अगर 1479 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर किसी के डिजिट सम 1479 नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पर खत्म हो गया। बी क्या है, 1024, 4 2 6 और 1 7, यानी कि बी ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो पता है कि बी ही इसका आंसर है, क्योंकि 32 का स्क्वायर है 1024। डिजिट सम क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, यानी कि हो सकता है बी। सी का डिजिट सम 8 1 9 और 1 10, 1 आ गया, तो सी भी हो सकता है, 1081 भी हो सकता है। डी क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, डिजिट सम क्या आ जाएगा, 2। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट क्या सम क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है। लेकिन फोर्थ नंबर का डिजिट सम कितना आ रहा है, 2, तो इसका मतलब फोर्थ नंबर नहीं होगा। अब हमारे 2 ही ऑप्शन रह गए, 1024 और 1081, इनमें से ही कोई सा एक नंबर क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। बता चुका हूँ आंसर तो 1024 ही है, पता चल रहा है 32 का है, लेकिन दो रूल हमने इनमें लगा लिए, डिजिट सम लगा लिया और लास्ट डिजिट का लगा लिया है, और जीरो वाला लगा लिया है। 5 किसी के लास्ट में है नहीं, इसलिए 5 तो लग ही नहीं सकता। अब क्या रूल रह गया हमारा, 8 का रह गया। 8 से अगर इसको भाग करें तो 8 3 24, लास्ट में जो रिमाइंडर कितना हो रहा है, बच रहा है 0, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ हमारे 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, हमने सारे रूल लगा लिए, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जिन पर सारे रूल लगाने के बाद भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये देख लेते हैं।
अगर इसका हम स्क्वायर रूट करें तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो लास्ट में देख रहे हैं कि लास्ट में कितना है हमारा, चार। तो या तो चार दो के स्क्वायर के बाद में आता है या आठ के स्क्वायर के बाद में आता है। तो ये जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है उस नंबर के लास्ट में या तो दो आएगा या आठ आएगा। अब हमें पता लगाना है कि दो आना है या आठ आना है। उसके लिए इसकी शुरुआत की दो डिजिट देख लीजिए, लास्ट की दो डिजिट से हमको ये पता चल गया, लास्ट दो डिजिट से हमें पता चल गया कि या तो दो आएगा या आठ आएगा। लेकिन शुरुआत में कौन सा नंबर आएगा वो देखने के लिए क्या काम करेंगे, ये कितना है, दस। दस को हम ये देखेंगे कि किन दो नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप कहोगे कि ये तीन के स्क्वायर के और चार के स्क्वायर के बीच में आता है कहीं, दस, तीन तीन नौ और चार चौ सोलह, दस इनके बीच में आता है। तो जिन दो नंबरों के बीच में ये नंबर आता है उसमें छोटा वाला नंबर ले लीजिए, तीन। तो एक चीज पता लग गई हमें कि शुरुआत का अंक क्या होगा, तीन होगा, लेकिन लास्ट में दो आएगा या आठ आएगा ये हमको अभी नहीं पता है। अब तीन का स्क्वायर क्या है हमारा, नौ, और चार का स्क्वायर क्या है हमारा, सोलह। तो ये इसके ज्यादा नजदीक है या इसके ज्यादा नजदीक है? तो आप कहोगे कि 10 दो नौ के ज्यादा नजदीक है। अगर 10 नौ के ज्यादा नजदीक है यानी कि छोटे नंबर के ज्यादा नजदीक है तो इनमें से छोटे वाला नंबर लेंगे, और छोटा वाला नंबर क्या है हमारा, दो। तो इसका मतलब 1024 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है या किसका नहीं है। नहीं तो वैसे डिटेल से करोगे तो या तो फैक्टर मेथड अपनाओगे आप या डिविजिबल मेथड अपनाओगे, लेकिन इस तरह से ये शॉर्ट है इसके करने की। आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, जैसे मुझे पता नहीं है, मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर ले लेता हूँ, 625 ही ले लेते हैं, और मुझे नहीं पता कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे इसको, कि हमें पता है लास्ट में क्या है हमारा, पाँच। तो शुरू के दो अंकों के लिए लास्ट में तो पाँच आना ही आना है। अब शुरुआत में इसके क्या आएगा वो देखेंगे, तो इस अंक को देखते हैं, छः। छः हमारा किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है, तो छः आपका दो का स्क्वायर और तीन के स्क्वायर के बीच में है। तो जो लास्ट छोटा नंबर होता है हमेशा वो लेते हैं, छोटा नंबर क्या है, दो। तो ये आ गया 25, तो 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 25 का। इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर इजीली निकाल पाएंगे। तो हमने देख लिया कि 1024 किसका हो गया, 32 का हो गया। अब हम देखेंगे कि अब 1024 का तो हमें पता चल गया कि 32 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इसको चेक करेंगे 1081 को, कि 1081 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि 1024 के नजदीक ही है 1081। अगर 32 का परफेक्ट स्क्वायर 1024 है तो फिर 33 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो 33 का परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं क्या होगा। और 33 का परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए पहले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, तो पहले नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। हासिल कोई नहीं जा रहा है आगे, छोड़ दीजिए। फिर 3 × 3 = 9 इनकी मल्टीप्लाई करनी है इस दो के साथ, तो 3 × 3 = 9 × 18 = 8 का हासिल कितना लग जाएगा, 1। फिर इस संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10। तो 33 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1089, और ये क्या है, 1081। यानी कि ये जो ये है ये 32 और 33 के कहीं बीच में पड़ेगा, इसका मतलब है कि इसका पॉइंट में आएगा, इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन खत्म, और यही ऑप्शन हमारा रह जाएगा कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि सारे ही रूल फेल हो जाएं, तो वहां पर हम सिर्फ यही देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है इनमें से और कौन सा नहीं है। और वैसे अगर आपको मैथ के अंदर पकड़ बनानी है तो परफेक्ट स्क्वायर आपके याद होने चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन कर दोगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी सीख लिया कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और रूट निकालना भी सीख लिया कि किसी क्वेश्चन का रूट हम कैसे निकालते हैं, 1024 का रूट हमने कैसे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी छह अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज है। अगर कोई संख्या 18 का गुणज है तो इसका क्या मतलब है कि वो 9 का भी गुणज होगी, यानी कि वो संख्या 9 से भी कटेगी। अब इन सारी संख्याओं में से देख लीजिए 9 से कौन सी संख्या कटती है, ए तो नहीं कटती, बी कट जाएगी, सी कट जाएगी और डी कट जाएगी। लेकिन बी जो संख्या है वो बड़ी संख्या है, और सी क्या है हमारी, छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी ही ठीक हो जाएगा।